अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर अब्दुल्ला। मैं लाया हूं आज ऑटोकैड की एक और वीडियो जिसमें मैं आपको क्या क्या सिखाने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं। आउटलाइन चेक करते हैं। आज हम ऑटोकैड में लेसन नंबर 9 करने जा रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे हैच क्या होता है और इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं विद शॉर्ट कमांड, हैच एडिट कैसे करते हैं, ग्रेडियंट का क्या काम है और बाउंड्री किस लिए इस्तेमाल की जाती है। चलते हैं ऑटोकैड पे। स्टूडेंट्स, लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आने आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं ऑटोकैड पे और देखते हैं कि हैच किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो हैच की कमांड के लिए हमारे पास यहाँ पे पहले कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके अंदर हम हैच अप्लाई करेंगे। रेक्टेंगल की कमांड एक्टिव कर रहा हूँ और इसमें मैं इसको विड्थ दे रहा हूँ 100 फिट। टैप करते हैं और देन मैं इसको 50 फीट की लेंथ दे रहा हूं। एंटर करते हैं, जेड एंटर, ई एंटर प्रेस करके इसको फुल स्क्रीन पे शो करवाते हैं। देन नेक्स्ट हम इस पे अप्लाई करते हैं, एक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस लेसन में देखा था, सर्कल, ई एंटर और इसका रेडियस हम रखते हैं 50 फीट। एंटर। चलते हैं, हैच अप्लाई करते हैं। हैच के लिए स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कमांड हैच की ग्रेडियंट भी है और बाउंड्री भी है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, हैच एंटर प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये बताना होगा पिक इंटरनल वन, हमने इंटरनल पॉइंट को पिक करना है किस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने हैच अप्लाई करना। तो हैच हमने इस रेक्टेंगल में अप्लाई करना, तो आप ये देखें इसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे अप्लाई करना है तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे करते हैं, रेक्टेंगल पे, सर्कल पे बाद में करेंगे। क्लिक करता हूँ और एंटर करता हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारे पास हैच अप्लाई हो चुका है। तो अगर आप एंटर ना करें तो आपको आप वहीं से इसको एडिट भी कर सकते हैं या फिर हम इसको अगर एडिट करना चाहते हैं तो अगेन इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। तो ये बहुत गहरा शो कर रहा है हैचिंग जो है इसकी। तो हम इसको चाहते हैं कि प्रॉपर हैचिंग नजर आए, जो भी पैटर्न हम इसके अंदर अप्लाई कर रहे हैं वो नजर आना चाहिए। तो इसके लिए हम इसके ऊपर डबल क्लिक भी करके ये हम कमांड ऊपर जो मेन्यू है हमारे पास शो हो गया रिबन हैच एडिटर के नाम से, तो इसके अंदर वर्किंग कर सकते हैं या फिर ये भी हमारे पास है इसमें भी वर्किंग कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और इसको भी मैं क्लोज कर रहा हूँ, क्लोज हैच एडिटर। मैं इसको कमांड के साथ आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने हैच एडिटर दोबारा से लेके आना है। तो उसके लिए हैच एडिटर के लिए हमारे पास ऑप्शन होती है एच और ई एंटर, एच ई, एच फॉर हैच और ई फॉर एडिट। हैच एडिट करने के लिए हमने सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट हैच ऑब्जेक्ट। तो अगर स्टूडेंट्स हम चाहते हैं कि बाद में हैच एडिट ना करें, एडिट तो हम तब करते हैं कि जब कोई मिस्टेक हो गई है या जब आप जिस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने लगाना चाहा था नहीं लगा, दोबारा से एडिट करने की ऑप्शन कभी आ सकती है। अदरवाइज आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही इसको इसकी सारी सेटिंग कर सकते हैं जो अब हम दोबारा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एडिट, जो भी हैच आपने एडिट करना है उस हैच के ऊपर आप क्लिक करें, क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास ओपन हो गया जी हैच ग्रेडियंट वगैरह, ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। तो हमने हैच को एडिट करना है, सबसे पहले हम इसकी टाइप चेंज कर देते हैं। तो टाइप के लिए प्री डिफाइंड ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी लगी हुई है, इसको चेंज नहीं करते। पैटर्न हम चेंज करना चाहते हैं, पैटर्न के लिए आपने यहाँ पे ये 3 डॉट्स जो बने हुए इसके ऊपर क्लिक करें तो ये हमें जो पैटर्न स्टाइल है वो सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे ब्रिक्स वाला जो स्टाइल है वो लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हम ये क्लिक करते हैं। और भी हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है, ये कॉन्क्रीट वगैरह अगर आप शो करवाना चाहते हैं कहीं पे, तो लैंटर वगैरह की चीजें हैं वो शो करवाना चाहते हैं, कॉन्क्रीट शो करवाना चाहते हैं आप, क्ले है आपके पास,
स्टोन है, क्रॉस वगैरह शो करवा सकते हैं, और इसके अलावा ग्रास शो करवा सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, तो अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनको हम शो करवाएंगे। तो चलते हैं, ब्रिक्स सिलेक्ट किए हैं, ये कर लें या फिर ये सिलेक्ट कर लें, ओके करें, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास स्वेच के अंदर ब्रिक्स शो करवा रहा है। तो इसमें अगर आप चाहें तो लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं, नॉर्मली व्हाइट शो हो रहा है इस वक्त बाय लेयर जो सिलेक्ट है, तो इसको आप रेड ग्रीन या कोई और कलर सिलेक्ट कलर भी कर सकते हैं। चलते हैं आगे, इसका एंगल और स्केल भी सिलेक्ट करते हैं। स्केल इस वक्त 20 अप्लाई किया हुआ हमने, तो बाद में इसको मैं अगेन इसके ऊपर एडिट के ऊपर आके इसको आपको बताऊंगा कि 20 के ऊपर जो लगा हुआ है इसमें क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स जब आप फर्स्ट टाइम लगाएंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे स्केल 1 लगा हो, तो आपने अपनी जरूरत के मुताबिक जितना आप चाहते हैं कि जो हैच है प्रोमिनेंट नजर आए, बड़ा साइज में नजर आए, तो आप स्केल साइज उसका बड़ा कर देंगे, 20 कर देंगे, 20 है तो 30 कर देंगे, ये बड़ा करना है तो आप 40 भी कर सकते हैं। तो आप फिलहाल मैं 20 रखता हूँ उसको, और इसको ओके करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं ये हमारे पास 20 के साथ शो है। ये बहुत बड़ा ब्रिक्स इतनी बड़ी नहीं होती, ये 50 फीट की वॉल है और उसमें 1, 2, 3 और 4 तकरीबन जो है ब्रिक्स शो हो रही, तो हमने 50 फीट की वॉल के अंदर 54 ब्रिक्स नहीं होती, ये आपने सेट कर लेना। तो इसके लिए एच की एंटर में प्रेस कर रहा हूँ, अगेन ये एच हम सिलेक्ट करते हैं और इसका जो साइज है वो हम कर देते हैं 3, ओके करें, आप देख सकते हैं ये हमारे पास बॉल शो आ रही है इसके सामने। तो इसी तरह अगर आप इसमें शो करवाना चाहते हैं, अच्छा यहाँ पे हमने इसको एडिट किया तो एच ई कमांड हमने प्रेस की, हमें क्लिक करते हैं अगेन। अगर आप इसको एंगल में करना चाहते हैं तो एंगल भी कर सकते हैं आप, 50 के एंगल, 30 के एंगल, 45 के एंगल पे, ओके करें, आप देख सकते हैं 45 के एंगल पे चल रही है आपकी ब्रिक्स। तो अगर आप चाहते हैं कि बाद में एडिट ना करें, फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही काम करना चाहते हैं सारा, तो आप यहाँ भी सर्कल में अपना कुछ चीजें अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो हम देखेंगे इसको डायरेक्ट हम पहले से ही अप्लाई कर लेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। इसके लिए सबसे पहले एच एंटर, तो अब हम यहाँ पे पिक इंटरनल पॉइंट से पहले आप यहाँ पे ये सारी चीजें आप देखते हैं एच एडिटर के अंदर, आप पिक पॉइंट भी कर सकते हैं, सिलेक्ट बाउंड्री ऑब्जेक्ट, उसके बाद सॉलिड एंगल, ये आप देख सकते हैं सारे पैटर्न स्टाइल हैं जो हमने वहां पे एडिट में भी देखे थे, तो यहाँ पे ये सारे आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ में आप ये वाला स्टाइल लगा रहे हैं AN S137, क्लिक करते हैं पिक पॉइंट, ये हमारे पास पैटर्न, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यूज करंट इसका कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं, या फिलिंग कलर भी चेंज कर सकते हैं, मैं ये आपको अप्लाई करके भी बताता हूँ। यहाँ पे क्लिक करते हैं और अब आप यहाँ पे आते हैं तो ये हम इसका कलर कर देते हैं जी रेड, ये आउटलाइन कलर है, जरा जूम करके देखें तो ये देखें ये हमारे पास शो हो रहा है। तो अगर आप इसका फिलिंग कलर भी चेंज करना चाहते हैं, फिलिंग कलर हम चाहते हैं ब्लू हो जाए, ये देखें फिलिंग कलर भी शो कर पा रहा है। तो इसका हम जो स्केल है वो थोड़ा सा बढ़ाते हैं ताकि हमें प्रॉपर नजर आ सके, स्केल साइज हम इसपे कर रहे हैं 40, इसको चेक करते हैं एंटर करके, फोर्टी पे भी प्रोमिनेंट नहीं हुआ, तो इसको मजीद डबल क्लिक करें या एडिट ओपन हुआ, या फिर आप यहां से भी कर सकते हैं इसको क्लोज करता हूं और इसके एंगल मजीद बढ़ाता हूं, इसको हम 100 पे कर देते हैं। अब आप देखें ये देख सकते हैं पहले से कुछ बड़ा हुआ है, मजीद इसका एंगल चेंज करना चाहते हैं आप तो एंगल के लिए भी आप 45 करें एंटर कर दें, ये देखेंगे आप इसका एंगल भी चेंज हो गया। तो ये आप इसको मजीद बड़ा करते हैं हम 300 पे, आप देखें आपके लिए देख सकते हैं तकरीबन इसके मुकाबले भी बराबर है इसके, तो इसको 400 करते हैं, ये देखें जिद बड़ा हो गया। फिलिंग कलर अगर आप खत्म कर दें ये सूटेबल नहीं है इतना, तो ये ज्यादा प्रोमिनेंट आपको नजर आएगा, इसको व्हाइट कलर में ही कर देते हैं बाय लेयर, तो ये देख सकते हैं आप इजीली आप इसको देख सकते हैं। जब भी आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो हैच एडिटर वापस ओपन हो जाएगा, या फिर आपके पास
कमांड मैंने आपको बताई है एच ई एंटर, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्लोज करना चाहते हैं एडिटर को, क्लोज हैच एडिटर पर क्लिक करें तो ये आप क्लोज करते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब हम इसको हैच को सिलेक्ट करके आप डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट किया मैंने, इसको भी डिलीट करते हैं। और अब हम हैच की बजाय ग्रेडियंट की कमांड अप्लाई करेंगे। उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ग्रेडियंट है, यहाँ से भी आप एक्टिव कर सकते हैं या फिर आप इसको स्केप करें। हमारे पास शॉर्ट कमांड है जी डी एंटर, जी डी एंटर करें और यहाँ पे आप बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हैच की सेटिंग करते हैं इंटरनल पॉइंट सिलेक्ट करते हैं या फिर आप इसकी कलर स्कीम के हवाले से जो स्टाइल है वो सिलेक्ट करते हैं। सारे देखते हैं आप रेडियल में करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल कलर्स है, तो ये सारे स्टाइल आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए हैच भी है, ग्रेडियंट भी है इसके अंदर। तो ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ये, और इस पे क्लिक करता हूँ तो ये आप देख लें एक्टिव हो जाए। इसी तरह से यहाँ पे हम कलर चेंज कर सकते हैं। हमारा एक कलर ब्लू लगा हुआ है आप देख सकते हैं और येलो है, तो आप इस कलर्स को अपनी मर्जी से रेड एंड येलो कर सकते हैं या रेड एंड ग्रीन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इस पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, जिस ऑब्जेक्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके अंदर आप जस्ट एक क्लिक करते जाएं वो अप्लाई होता जाएगा। यहाँ से आप कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप एक सिलेक्ट की दोनों सिलेक्ट है इस वक्त इसकी दोनों कलर चेंज हो रहे हैं। अगर आप एक सिलेक्ट करते हैं तो एक तो वो उसके लिए आपको अलग अलग इंटरनल पॉइंट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने इकट्ठा अप्लाई किया तो ये इकट्ठा ही कलर भी चेंज करेगा और अप्लाई भी करता ही होगा जी। इसके बाद इसका भी इसी तरह से आप एंगल चेंज कर सकते हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी हम चाहते हैं इसकी 15 हो जाए। ट्रांसपेरेंसी से मराज फ्रेंड्स आप इसके पीछे भी अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो भी आपको इजीली नजर आ जाएगा। एंगल चेंज करते हैं, इसका एंगल 36 पहले लगा हुआ हम इसको कर देते हैं 60 में एंगल, पहले रोटेट हो गया ये। और ट्रांसपेरेंसी मजीद बढ़ा देते हैं हम, इसकी ट्रांसपेरेंसी करते हैं 50। आप देख सकते हैं अगर हम इसकी बैक साइड पे कोई ऑब्जेक्ट लगा दें, ये देखिए पीछे से आप ग्रिड्स नजर आ रहे हैं इजीली, सर्कल और रेक्टेंगल के पीछे से जो ग्रिड शो हो रहे हैं ऑटोकैड ड्राइंग पे, वो भी आप इजीली देख सकते हैं। अगर आप इसको मजीद कर दें तो और भी अच्छे तरीके से आपको बैक साइड इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देते हैं। आप इस तरह पकड़ के भी इस तरह मूव कर सकते हैं, इस तरह मूव कर सकते हैं। तो ये मैं इसको यहाँ पे ला भी छोड़ दूँ, सेव करता हूँ। ये देखेंगे ट्रांसपेरेंसी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कमांड क्या है, हैच एडिट हो गया, हैच हो गया, ग्रेडिट हो गया। उनकी कमांड्स नोट कर लीजिए कि स्टूडेंट हैच के लिए एच एंटर, हैच एडिट के लिए एच ई एंटर, और ग्रेडियंट के लिए जी डी एंटर, और बाउंड्री के लिए हमारे पास कमांड होती है बी ओ एंटर। तो यहाँ पे हम चलते हैं स्टूडेंट्स, बाउंड्री क्या चीज है, बाउंड्री कमांड किस लिए इस्तेमाल होती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बाउंड्री की कमांड स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखें, लाइन के जरिए से आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। F8 ऑन करके मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, हम चाहते हैं बिल्कुल इसके साथ में लाना है, तो इसके लिए आपने यहाँ पे एक दफा माउस लाना है और अगेन यहाँ पे आ जाना, तो आप देखेंगे कि आपको एक ग्रीन लाइन शो हो जाएगी जिसकी मदद से आप इजीली यहाँ पे क्रॉस के ऊपर आप क्लिक करें और अगेन इसके ऊपर ला के क्लिक करें। स्केप करता हूँ, आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो लाइन है और ये सेक्शन के अंदर, क्योंकि हमने लाइन की कमांड लगाई है, ना तो पॉलीलाइन लगाई है और ना ही हमने रेक्टेंगल लगाया। रेक्टेंगल भी अगर आप लगाते हैं तो वो एक ही कमांड होती है जो ओवरऑल सबके ऊपर, जो आपका ऑब्जेक्ट एक ही रहता है पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपकी अलहदा लाइन है, ये अलहदा लाइन है, ये अलहदा लाइन है। तो स्टूडेंट्स अगर हम चाहते हैं कि ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट जो है एक हो जाए, बिल्कुल रेक्टेंगल जिस तरह होता है एक ऑब्जेक्ट बन जाए, उसके लिए हमें कमांड हमारे पास होती है बाउंड्री की, उसकी मदद से हम इसको
एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इस वक्त ये एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है, एक दो तीन चार पांच ऑब्जेक्ट है ये। हम ये पांचों को एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम बाउंड्री कमांड यूज करेंगे, बी ओ एंटर, और पिक पॉइंट हम बताएंगे जिस भी ऑब्जेक्ट को हम बाउंड्री करना चाहते हैं उसके इन इंटरनल साइड पे उसके हम क्लिक करेंगे पिक इन पॉइंट, और उसके बाद उसके इनसाइड क्लिक करें। इनसाइड क्लिक किया और आप देख सकते हैं पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो, तो ये जितना भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ होगा ये सारे का सारा बाउंड्री होगा, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक, इनसाइड इंटरनल पॉइंट करने के बाद आपने एंटर कर देना, एंटर करके आप देखेंगे तो ये देखिए पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट एक बन चुका है। क्लिक करें इसके ऊपर, ये देखें एक ऑब्जेक्ट, अगेन क्लिक करें। अब आप डिलीट भी अगर करना चाहते हैं ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ डिलीट हो सकता है। तो जब भी आप बाउंड्री करते हैं तो जो उसके नीचे जो उसकी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होता है वो उसकी बैक साइड पे उसकी कॉपी एज इट इज पड़ी रहती है, तो उसकी एक कॉपी बन जाती है जो बाउंड्री हो जाती है। तो बाउंड्री वाला ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, तो आप देख सकते हैं उसके नीचे वैसे की वैसे ये हमारे पास लाइंस पड़ी हुई है। तो अगर आप चाहते हैं ओरिजिनल भी हमारे पास वैसे पड़ा रहे तो आप उससे भी बाद में काम ले सकते हैं। अब इसको भी हम सेपरेटली डिलीट कर रहे हैं। ले स्टूडेंट्स, आज का लेसन आई थिंक कंप्लीट हो चुका है जी। स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।